अमृतसर मेयर करमजीत सिंह रीटू ने विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए वार्ड नंबर 13 के लक्ष्मी बिहार में वाटर सप्लाई लाइन बिछाने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास के पक्ष में पिछड़े इलाकों में पहल के आधार पर विकास करवाने का है। नगर निगम का लक्ष्य है कि जिन इलाकों को विकास पक्ष से पिछले कई सालों से नजरअंदाज किया जा रहा है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन इलाकों में प्राथमिक सुविधाएं जैसे कि पानी, सीवरेज, सफाई आदि मुहैया करवाई जाए। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी का फर्ज है कि वह पेयजल की बचत करें। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए आप भी सुनिए। फतेह सिंह कॉलोनी अमृत प्रोजेक्ट अधीन 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अधीन अज इन दोवां कॉलोनियों के जिथे पीण वाला पानी नहीं है, अज तक अज असी इन दोवां कॉलोनीज़ नूं पीण वाला पानी मुहैया करवाउण जा रहे हैं। अज इत्थे काम का उद्घाटन होया और आउंदे एक दो महीनों के सारी कॉलोनी के जिहड़ियां पानी दियां पाइपां पा के इन्हां नूं पीण वाला साफ सुथरा पानी जिहड़ा मुहैया करा दिता जाएगा। और अज इस वार्ड की अगवाई कर रहे थे साडे कौंसलर मैडम प्रियंका शर्मा जी, मेरे छोटे वीर रितेश शर्मा जी। अज इन्हां दे यत्नां दे सदका जिन्ने भी इस वार्ड के काम अधूरे ने पूरे किए जा रहे हैं। आने वाले समय के इस वार्ड निवासियों या सारे शहर से मैं कहूँगा कि किसी किस्म की लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं आने देवांगे और सारिया ही बुनियादी सहूलत आने समय के एक एक करके सारिया मुहैया करावांगे। अज बड़ी खुशी हो रही है कि इत्थे पानी का प्रोजेक्ट जिहड़ा उसनों इनॉगरेट करके, क्योंकि पानी एक बहुत ही बहमुला और जिस तो बिना गुजारा ही नहीं गा, पर नाल ही खेद है कि अज तक इत्थे पानी नहीं मुहैया कराया गया पिछले समय के। पर चलो हुण असी आउंदे महीने दो महीने के इत्थे पानी की सप्लाई जिहड़ी दे देंगे हर घर करदी आ। इस शहर के मेयर सरदार करमजीत सिंह रिंटू जी का जिन्हां नाल असी अपने एरिया दे ए प्रॉब्लम शेयर कीती, ए इन्हूं असी कह सकते हैं कि लक्ष्मी विहार दा एरिया, सुभाष कॉलोनी, खड़ाक सिंह वाला, ए असी नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मोस्ट निगलैक्टेड एरिया जिथे हजे तक पिछलियां सरकारां वल्लों ना पीण दा पानी मुहैया करवाया गया ते ना ही इत्थे कोई सीवरेज सिस्टम दा प्रबंध सी। पिछले जिहड़े साडे टेंडर सीगे, असी सब तो पहलो अपनी वार्ड विच इस एरिया ते फोकस कीता जिथे हजे तक कोई बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करवाई गई सीगी। मेयर साहब दे नाल इन्हां दे सहयोग दे नाल सब तो पहलो असी कुछ कॉलोनीज़ दे विच इत्थे सीवरेज सिस्टम नूं ओके कराया, जिहड़ा कि बाबा श्री चंद गुरुद्वारा जी दे कोल जिन्ना भी एरिया उत्थे सीवरेज सिस्टम पाउण तों बाद उत्थे गलियां दा निर्माण करा के अज इस एरिया विच असी पहुंचे हां जिथे हजे तक पानी दी पाइप पई नहीं हुई सीगी। ते इलाका निवासियां नूं इह बहुत ज़्यादा बड़ी देर तों दिक्कत महसूस हो रही सी। अज बहुत ही खुशी वाला दिन इस इलाका दे निवासियां दे लई जिन्हां दी अज इस कॉलोनी दे विच वाटर पाइप पै गई है। तो इस तो बाद जिहड़ा भी साडा टेंडर आऊगा मैं इन्हां नूं विश्वास दिवाउनी आ, तुसीं सब इत्थे खुद हालत वेख सकदे जे कि इत्थे गलियां दा की हाल आ, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दी कोई चीज़ ही नहीं आ। तो असी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़ा वादा कीता सीगा कि बेसिक फैसिलिटीज़ पूरियां होण तों बाद इस वार्ड नूं असी 100% पूरी दी पूरी डिवेलपमेंट दे इत्थे जिन्नियां भी स्कीमां आउणगियां इस इलाके दे हर एक निवासी नूं उहदा पूरा पूरा लाभ मिलेगा, चाहे वह पेंशन दी स्कीम, चाहे वो कोई अमृत प्रोजेक्ट जिस तरह इन्होंने लॉन्च किया, वाटर पाइप की स्कीम, सीवरेज बोर्ड की स्कीम, बस पासिस की स्कीम। मैं पूरा विश्वास दवानी हाँ कि वार्ड नंबर 12 और 13 के किसी भी इलाका निवासी नू कोई भी सरकारी स्कीम तो वंचित नहीं रहन दिता जाऊगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।